जनसंघ के संस्थापक और एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों एवं सिद्धांतों को आत्मसात कर जनसेवा करने का संकल्प लिया। एकात्मक मानववाद के प्रणेता और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस उपलक्ष्य में दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित करने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। उन्होंने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के पथ प्रदर्शक और हम सब के आस्था और श्रद्धा के केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के दिन आज यहाँ पर दीनदयाल चौक में हम सभी ने माल्यार्पण कर उनके श्री चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो महानायक थे जिन्होंने अंत्योदय का विचार दिया, जिसको लेकर चाहे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो संकल्प लेकर हम निकले हैं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज हम लोगों ने सब पुष्पांजलि अर्पित करी। उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर निश्चित तौर पर हम लोग आगे चलेंगे। संस्कारधानी और राष्ट्र को कैसे विकास के रास्ते पे, कैसे सनातन संस्कृति के रास्ते पर आगे ले जाना है, निश्चित तौर पर उनके जो भाव थे उसको पूर्ण करने के हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। भारत माता की जय।